नमस्कार दोस्तों, लर्न एक्सेल लर्न टू ग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सेल चार्ट ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सेल चार्ट टाइप के बारे में, यहाँ पर एक्सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको चार्ट प्रेजेंट करता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बार चार्ट और एरिया चार्ट। जो ये 6 टाइप के चार्ट है हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके इसको आप देख सकते हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी वहां पे मैंने दे रखी है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो के अंदर सीखेंगे नेक्स्ट 6 टाइप के चार्ट है, स्केटर, बबल, स्ट्रोक, सरफेस और रडर और कॉम्बो। तो ये 6 चार्ट है, इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम स्केटर चार्ट। तो दोस्तों, जो स्केटर चार्ट होता है वो एक्स वाई का मान बताता है, और ये क्या करता है, किसी पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि आपकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू पे आपको ये पॉइंटिंग इंगित करता है, वो स्केटर चार्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे हमने साइंटिफिकली डेटा देखा हो, स्टैटिस्टिकली देखा हो, या इंजीनियरिंग डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके स्केटर चार्ट का यूज किया जाता है। इसकी दो सीरीज होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इनको नेगेटिव डेटा भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो स्केटर के अंदर। यहाँ पे कुछ सब टाइप के चार्ट है, वो नीचे आप देख सकते हो, इनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्केटर चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, स्केटर चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, जिसमें आपको डॉट डॉट की जो बिंदुज है इनके थ्रू आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, वो है बबल चार्ट। जो दोस्तों बबल चार्ट होता है, ये भी सेम स्केटर चार्ट की तरह आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन क्या होता है, जैसे नाम से ही बबल पता चल रहा है, तो ये डेटा डॉट की जगह न करके क्या करता है, सिर्फ दो जो हमारे एक्सेस होते हैं उनके साथ में बबल चार्ट को रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके कुछ सब टाइप्स भी है, वो आप देख सकते हो बबल में, बबल 3D विद इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, स्केटर एरिया भी। एक बबल का चार्ट का उपयोग मुख्यतः से संख्यात्मक चर के बीच संबंधों को चित्रित कर दिखाने के लिए किया जाता है, आप इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने रिस्क बताई है, प्रॉफिट एंड लॉस बताया है, इन दोनों डेटा को हम यहाँ पर बबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया बबल चार्ट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर स्टॉक चार्ट, जैसे नाम से ही यहाँ पर इंगित करता है यहाँ पर कि ये स्टॉक चार्ट है। ठीक है, तो मतलब जैसे शेयर बाजार में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्टॉक चार्ट का यूज किया जाता है। साथ के साथ में स्टॉक चार्ट का दोस्तों यूज किया जाता है, जैसे हम यहाँ पर डेली जो रेन हमारी होती है उसके बारे में, या टेम्परेचर होता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब कुछ इसके सब टाइप्स हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल बता दूं मैं इसको स्टॉक चार्ट का, जो डेटा हर एक घंटे के अंदर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार से हम डेटा ऊपर नीचे चढ़ाव हो रहा है। इनके बारे में यदि आपको डिटेल्स में जानकारी है, तो आप मेरे नीचे मैंने पीडीएफ दे रखी है, वहां पे आप जाके इनको डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सरफेस चार्ट, जो दोस्तों जैसे नाम से इसका पता है हमें, सरफेस यानी कि किसी एक चित्र के अंदर हम यदि मुझे रंग और पैटर्न दोनों देखने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस चार्ट का यहाँ पे यूज करूंगा। इस प्रकार की जो डेटा सीरीज होती है उसके लिए जो डेटा यूज किया जाता है वो किया जाता है सरफेस चार्ट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो सरफेस चार्ट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें क्या होती है, जो डेटा सीरीज होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में होनी चाहिए, और जो डेटा आप अरेंज कर रहे हो, आप डेटा इन कॉलम्स में या रो में ऑन द वर्कशीट में होना चाहिए। ठीक है, उसी वर्कशीट में होना चाहिए जहाँ पे आप चार्ट क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ के सब टाइप आपको दे रखे हैं, आप इनका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो डिफेक्ट आपके रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको, सरफेस चार्ट का कुछ एग्जांपल कुछ इस प्रकार से आपको बनाने के बाद देखेगा कि आपको सरफेस चार्ट कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा रेडर चार्ट। तो रेडर चार्ट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है वहां से इसकी सीरीज जाती है, अलग अलग पॉइंट्स पे आपने डिसाइड करती है। जैसे आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, उसका एक केंद्र बिंदु होता है, उसके बाद में वो जाला फैला हुआ रहता है, तो उसी प्रकार से रेडर चार्ट है, वो भी आपको डेटा इसी प्रकार से रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके कुछ सब टाइप्स है और आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी जो मल्टीपल एक्सेस यहाँ पर आप ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर मकड़ी के जाल की तरह एक रेडर चार्ट होता है, जिसमें आप जो इसका सेंटर बिंदु होता है वो यहाँ पर होता है, उसके बाद में आप यहाँ पर अपने डेटा जो सीरीज होती है आप यहाँ पे कितनी भी सीरीज यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यानी एक लाइन के थ्रू यहाँ पर जुड़ी होती है सीरीज आपकी, तो यहाँ पे आप बहुत सारे डेटा सीरीज भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा रेडर चार्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉम्बो चार्ट।
जो कॉम्बो चार्ट है दोस्तों, जैसे यहाँ पे भी इसमें नाम से पता चल रहा है कॉम्बो, यानी कि दो चार्ट यहाँ पे मिलके बनते हैं तो वो क्या होता है कॉम्बो। यानी यदि आप एक कॉलम चार्ट बना रहे हो उसके अंदर एक लाइन जो ग्राफ है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइन चार्ट को भी यदि ऐड कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉम्बो चार्ट। यानी कि हमें कॉलम और लाइन चार्ट दोनों को एक साथ रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम उसका यूज करेंगे कॉम्बो चार्ट में। इस प्रकार से आपको मैं बता दूं जो कॉम्बो चार्ट है उसके कुछ सब टाइप्स आपको दे रखे हैं, इनके अभी आप यूज कर सकते थे। और इसको करने के क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में, द नंबर इन योर डेटा वेरी विडली फ्रॉम डेटा सीरीज टू डेटा सीरीज होनी चाहिए कंटिन्यूसली। यू हैव मिक्स टाइप ऑफ द डेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइस और वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए प्राइस इतने रखेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, या फिर हमारा प्रोडक्शन इतने करेंगे तो रेट कितनी करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कॉम्बो चार्ट का यूज करना पड़ता है। आपका इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास में एक इसका एग्जाम्पल जहाँ पे आपको कॉलम और लाइन चार्ट दोनों एक साथ दिखेंगे और यहाँ पे कंपेरिजन के लिए इसका यूज किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 6 चार्ट उनको कवर किए हैं, अच्छे चार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो यानी हमारे पास में टोटल 12 चार्ट हमने कंपेयर कर लिए हैं यहाँ पर। अब इनकी जो प्रैक्टिकल वीडियोस है वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस के दौरान आ जाएगी, तो इस वीडियोस को इतना लाइक करें, शेयर करें, और हाँ आपके कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल होंगे प्रैक्टिकल पार्ट्स पे, यानी कि जो आपको चार्ट्स बताए गए हैं उनका प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। हर एक चार्ट का एक प्रेजेंट अलग वीडियो होगा जिसमें आप देखेंगे हर एक, जैसे सपोज करो कॉलम चार्ट है तो उसको किस प्रकार से क्रिएट करेंगे और किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है वो आप प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे। और हमारे लर्न एक्सेल पे टेली भी चल रही है दोस्तों, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल करना होगा सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस इस वीडियो में इतना ही।